हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट में, मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलोसफीज़, मतलब कि किन किन आइडियोलॉजी से पहले पहले मार्केटिंग होती रहती थी। क्योंकि ये जो है एक तरह से प्रोसेस है, हिस्ट्री है इसकी, कि एक पांच फिलोसफीज़ हैं कि सबसे पहले ये लोग क्या करते थे सामान को बेचने के लिए, उसके बाद क्या करने लगे, उनकी सोच में क्या क्या चेंजेस आए थे, फिर उसके बाद क्या चेंजेस आए थे, फिर अब क्या चेंजेस आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि अभी जो प्रोडक्शन कंसेप्ट है, जो पहला कंसेप्ट है, कि पहले था अब नहीं है, कि पांचों के पांचों कंसेप्ट आज भी हैं, आज भी अवेलेबल हैं, आज भी लोगों की सोच में है। मतलब कि फिलोसफीज का मतलब होता है कि लोगों की सोच कैसी है मार्केटिंग को लेके। पहला जो कंसेप्ट आया था वो था प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट में ये कहते थे कि कुछ कंपनीज का बिलीव था कि कोई भी सामान इजिली बेचा जा सकता है अगर वो इनएक्सपेंसिव है या इजिली अवेलेबल होता है। इनएक्सपेंसिव का मतलब कि अगर बहुत सस्ता है तो काफ़ी इजीली उसको बेचा जा सकता है, उसकी कॉस्ट को कम करके। अब कोई सामान अगर इनएक्सपेंसिव है तो उसको कैसे बेच सकते हैं, कैसे कॉस्ट कम कर सकते हैं, उसका मास प्रोडक्शन करके, मतलब कि जो उसके प्रोडक्शन का स्केल है उसे हम बढ़ा देंगे, जिससे कि हमारा बल्क में अमाउंट, बल्क में क्वांटिटी बनाने की वजह से जो हमारा जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। और उसका मेन फोकस क्या रहेगा कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन से डिक्रीज करना कॉस्ट को कम करना, जिससे कि हमारी सेल्स जो है बढ़ सके। अगर हमारी कॉस्ट कम होएगी, सेल्स हमारी बढ़ जाएगी और हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। इसका बस ड्रॉबैक एक ही है कि कस्टमर हमेशा ही जो इनएक्सपेंसिव गुड्स होते हैं उनको खरीदने की तरफ नहीं जाते हैं फिलहाल, स्पेशली आज के टाइम में। क्योंकि आज के टाइम में जनरल पब्लिक को क्या पसंद होता है कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हों, रिजनेबल प्राइस पे हों। ज़रूरी नहीं है कि वो लो प्राइस पे हो तभी वो खरीदेंगे, ऐसा टाइम बहुत पहले जा चुका है। तो पहला कंसेप्ट में ये बोलता है कि भाई कुछ कंपनी से बिलीव था कि इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स जो हैं वो इजीली सेल किए जा सकते हैं अगर वो मार्केट में इनएक्सपेंसिव हैं और इजीली अवेलेबल हैं, तो उनके मास प्रोडक्शन करके इजीली बेचे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या था कि इन फर्म्स का बिलीव था कि एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव किया जा सकता है प्रोडक्ट्स को अच्छी क्वालिटी का बना के। क्योंकि लोग उसके बाद जाने लगे थे अच्छी क्वालिटी के ऊपर, कि भाई अच्छी क्वालिटी का है तो ही खरीदेंगे, चाहे प्राइस चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, जो भी प्राइस हो। तो वो अच्छी क्वालिटी का बनाने लग गए थे, लेकिन ध्यान में ये रखते थे कि भाई अगर लोग अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट सिर्फ तभी खरीदेंगे जब उन्हें उसकी ज़रूरत होगी या जब उन्हें उसकी वांट होगी, तभी खरीदेंगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल भी मैंशन है कि फर्म जो एक तरह से हेयर डाई बनाती है अच्छी क्वालिटी का, तो उनको ये पता है कि पब्लिक सिर्फ हेयर डाई सिर्फ तभी खरीदेगी जब उनके ग्रे हेयर आने शुरू हो जाएंगे, तभी उसका जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा। तो सिंपल सी बात है, इसका मेन फोकस होता है गुड क्वालिटी एंड एडिट फीचर्स इन द प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट सिर्फ तभी बिकेगा जब हमारे प्रोडक्ट में कुछ एडिट क्वालिटी होगी या कुछ गुड क्वालिटी होगी। तो ये था प्रोडक्ट कंसेप्ट। फिर नेक्स्ट हमारा आया सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट में मतलब जो एक तरह से हम लगा सकते हैं फर्स्ट स्टेज का एक कंसेप्ट है। सेलिंग स्टेज में क्या बिलीव था कि जो भी हम बनाएंगे, जो भी मतलब कि प्रोड्यूसर बनाएगा उसको वो बेच सकता है, चाहे वो कुछ भी बनाए, बस उसको बेचने के लिए क्या चाहिए, जो हमारा बायर है, जो हमारा कस्टमर है, उसके साथ में हमें एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेगी उसको कन्विंस करने के लिए कि आपको ये खरीदना है, आपको ये खरीदना चाहिए। फर्म्स रिलाइंग ऑन सेलिंग कंसेप्ट मेक यूज़ ऑफ एडवर्टाइजिंग पावर्स टू मेक कस्टमर बाय समथिंग इवन वेन कस्टमर हैज़ नो इंटेंशन ऑफ बाइंग। कभी कभी आपने भी नोट किया होगा, जैसे आप कभी मार्केट में जाते हो कुछ भी सामान खरीदने जाते हो, तो कभी आपने नोट किया होगा कि आप एक सामान के जगह पे पांच छह चीज़ें और ले आते हैं जिनकी शायद हो सकता है कि आपको ज़रूरत भी ना हो, लेकिन आप भरा के सोचते हैं कि भाई इसकी तो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, और शॉप पे सोच रहे कि हाँ ये तो अच्छी चीज़ है, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। तो वो किस वजह से होता है, वो होता है सेलिंग कंसेप्ट, जहाँ पे आपकी कोई इंटेंशन नहीं है सामान कुछ खरीदने की, वहाँ पे आपको एक तरह से कन्विंस किया जा रहा है कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, एडवर्टाइज़ किया जा रहा है आपको कि भाई, और आपको कन्विंस कर दिया जा रहा है, आपके इंटेंशन को चेंज कर दिया जा रहा है कि आप उसे खरीद लो। आपको सेलिंग कंसेप्ट जो है एक तरह से इस स्टेटमेंट में क्लियर हो जाएगा जो मैंने लिखा भी हुआ है इन्वर्टेड कोमाज में, कि सेलिंग वट यू हैव। जो भी सेलर या जो भी प्रोड्यूसर बना रहा है, जो भी उसके पास है वो आपको बेचना है, वो आप कैसे भी मर्जी भी बेच सकते हो, बाय हुक एंड क्रुक बेच सकते हो। हुक एंड क्रुक का मतलब होता है एक तरह से, ये एक तरह से एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि बाय चेक कैसे भी ईमानदारी से बेचो, चाहे बेईमानी से बेचो, या कैसे भी करके बेचो, कुछ भी करना पड़े आपको सामान वो बेचना है। नॉर्मली सेल्समैन यही चीज़ टेक्निक यूज़ करते हैं
कि आपको वह सामान बेचना है चाहे कैसा भी लगे आपको। मैं इसका एग्जांपल और भी दे देता हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि मार्केटिंग मैनेजमेंट थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा आपको और मज़ा भी आएगा। तो इसमें एक एग्जांपल ये भी दे सकता हूँ, जैसे अगर आप कपड़े खरीदने जाते हो तो चाहे आप कितने भी गंदे लग रहे हो, जो सेल्समैन होगा वो आपको यही बोलेगा सर आपके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है, ये शर्ट तो बनी ही आपके लिए है। तो वो चीज़ होती है सेलिंग कंसेप्ट की, चाहे कितनी भी बुरी चीज़ लग रही हो वो आपको कन्विंस कर लेगा कि भाई हाँ ये चीज़ हमें खरीदनी चाहिए। सेलिंग जो है एक तरह से प्रोड्यूसर के रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा करता है कि जो भी उसने बनाया है वो उसे बताए कि भाई कंज्यूम बायर्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा बार नहीं किया जा सकता है। अगर बायर एक बार भी समझ गया कि भाई ये चीज़ ख़राब है मुझे दोबारा नहीं खरीदनी है तो वो दोबारा नहीं खरीदेगा। तो एक तरह से सेलिंग कंसेप्ट जो है शॉर्ट टर्म के लिए तो सक्सेसफुल हो सकता है, अगर वो भी डिपेंड करता है कि भी बायर पे भी और सेलर पे भी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती और फ्रूटफुल नहीं हो सकती है। इसका मेन फोकस कहाँ होता है, टू सेल वट एवर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग इंटेंसिव प्रमोशनल टेक्निक्स, मतलब कि एडवर्टाइजिंग प्रमोशनल टेक्निक्स या प्रमोशनल टेक्निक ये सेलिंग टेक्निक से हम यूज़ करके कस्टमर को एक तरह से कन्विंस कर रहे हैं कि जो हमारे पास सामान है वो उसे खरीद ले, उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ अच्छी है चाहे उसे ज़रूरत भी नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है मार्केटिंग कंसेप्ट, ये जो है एक तरह से इसका काफ़ी रिफाइंड वर्जन है सेलिंग कंसेप्ट का। हमने उसमें सेलिंग कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ा कि इसमें एक तरह से सेलर किंग होता है। मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या होता है, कस्टमर हमारा किंग होता है, जो इसका फोकस होता है वो कस्टमर पे होता है कि कस्टमर को क्या पसंद है वही बनाया जाता है और फिर उसे बेचा जाता है। सेलिंग कंसेप्ट में था कि जो प्रोड्यूसर ने बना दिया वो उसे बेचना है, यहाँ पे क्या होता है कि जो कस्टमर को पसंद है पहले हम पता लगाएंगे कि कस्टमर को पसंद क्या है, फिर उसके बाद उसे प्रोड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद उसे बेचेंगे, जिससे कि हमारा जो कस्टमर है ऑलरेडी बना हुआ हो। इसमें ज़्यादातर प्रमोशन टेक्निक्स यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती नहीं, ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है सेलिंग कंसेप्ट के कंपैरिजन में। तो प्रोडक्ट शुड बी डिज़ाइंड एंड प्रोड्यूस कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ कस्टमर एंड ट्राई टू सेटिस्फाई नीड बेटर देन कंपटीटर। अगर मान लो कि दो कंपनीज हैं कंपटीशन में और मुझे पता है कि लोगों को पसंद क्या है, तो मैं अगर लोगों की पसंद ही बना के उनको बेच रहा हूँ तो मैं कंपटीशन में आगे निकल पाऊँगा। सो अकॉर्डिंग टू द मार्केटिंग कंसेप्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज प्री कंडीशन फॉर रियलाइजिंग फर्म्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सेलिंग कंसेप्ट में सेलर किंग या प्रोड्यूसर किंग होता है और मार्केटिंग कंसेप्ट में कस्टमर किंग होता है। इसका मेन फोकस मेन फोकस आगे आएगा। तो कुछ मार्केटिंग कंसेप्ट के कुछ पिलर्स हैं जो मैं आपको, एक तरह से प्रोसेस भी है जो आगे कल के टॉपिक में हम बताएंगे भी, 12 पॉइंट्स हैं मार्केटिंग प्रोसेस में या मार्केटिंग फंक्शंस भी बोल सकते हैं हम उनको। अभी फिलहाल हम सिर्फ कितने हैं ये 5 के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट, हु आर चूजन एज टारगेट मार्केट। अब इसका मतलब क्या होता है, टारगेट मार्केट का मतलब क्या होता है कि हम अपना जो सामान है जो हमने बनाया है जो भी कुछ हम कर रहे हैं किसी भी कस्टमर के लिए उसके लिए मार्केट कौन से चुन रहे हैं, हम कहाँ बेचना चाह रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि जैसे रोहतक में डोमिनोज है, आप सबको पता ही है डोमिनोज एक ब्रांडेड चेन स्टोर है, आप सभी को पता ही है, लेकिन डोमिनोज मॉडल टाउन में ही क्यों है, हमारे एरिया में क्यों नहीं है, इसका रीज़न क्या है। ये उसके टारगेट मार्केट है कि आप सभी को पता है कि भाई अगर मॉडल टाउन में सारी ही ब्रांडेड शॉप्स हैं लेकिन हमारे लोकल एरिया में कोई भी ऐसी ब्रांडेड शॉप्स क्यों नहीं है, क्योंकि उनका जो टारगेट मार्केट है वो मॉडल टाउन है, क्योंकि वहाँ पे रिच क्लास है या फिर हाई पेइंग कैपेसिटी वाले लोग रहते हैं, या अगर यहाँ के भी लोग हैं तो अगर रेशो देखा जाए तो यहाँ की रेशो कम है वहाँ की रेशो थोड़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से उन्होंने वहाँ की नीड्स वांट समझ के आइडेंटिफिकेशन की मार्केट की और उन्होंने टारगेट मार्केट वहाँ उस एरिया को चूज़ किया जहाँ पे नॉर्मली काफ़ी पब्लिक रहती है। फिर नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग नीड्स और वांट्स ऑफ कस्टमर्स इन टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट में जो कस्टमर्स की जो पसंद है उन्हें आइडेंटिफाई करना, उनको समझना कि भाई उन्हें एक्चुअल में किस चीज़ की ज़रूरत है, हम उन्हें किस तरीके से क्या बना के बेचेंगे तो हमारा सामान जो प्रोडक्ट है वो मिनिमल एफर्ट से बिक सकता है। फिर नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग नीड्स ऑफ टारगेट मार्केट। अब हमने नीड्स एंड वांट समझ लिए कस्टमर की, अब हम उसे बनाएंगे प्रोड्यूस करेंगे, जो भी उसे प्रोडक्ट चाहिए जो भी उसे सर्विस चाहिए उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए वो हम डेवलप करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल कि हम कुछ
चावल बनाते हैं, तो अगर मान लो किसी कस्टमर को चाहिए चावल 10 kg के किसी कंटेनर में चाहिए तो हम वो बनाएंगे, अगर किसी को चाहिए 20 kg के कंटेनर में चाहिए तो वो भी हम बनाएंगे। हम अगर बोले कि सोचो कि भाई 1 kg का ही कंटेनर में बना रहे हैं हम चावल का पैकिंग कर रहे हैं, तो वो 1 kg के 50 पैकेट कैसे लेके जाएगा, इजी नहीं रहेगा। वो अगर 50 किलो का लेना चाहता है तो उसे एक ही कंटेनर में चाहिए। फिर नेक्स्ट है सेटिस्फाइंग नीड्स ऑफ टारगेट मार्केट बेटर देन कंपिटिटर्स। अब कंपटीशन हर जगह होता है, बिजनेस में भी हर जगह ही होता है, चाहे बिजनेस हो नॉन बिजनेस हो, लेकिन बिजनेस में कंपटीशन में आगे निकलने के लिए टारगेट मार्केट में कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी कंपनी के पास जाएगा ही जाएगा, दूसरे शॉप पे जाएगा ही जाएगा। अगर आपको कंपटीशन में आगे रहना है तो आपको कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना ही पड़ेगा। फिर है डूइंग ऑल दिस एट प्रॉफिट। ये भी जो भी सब कुछ हम बता रहे हैं, जो भी सब कुछ हम कर रहे हैं बिजनेस में या मार्केटिंग में, ये प्रॉफिट पे भी करना ज़रूरी होता है। अब इसमें दो फैक्टर्स आते हैं, एक होता है कि कंपटीटर्स और एक होता है हमारा जो कस्टमर है, क्योंकि बिजनेस के लिए दो ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, कंपटीटर्स और कस्टमर। कस्टमर से प्रॉफिट कमाना है और कंपटीटर से आगे निकलना है। तो अगर हमारा जो कॉन्स्टेंट विजिल है वो कस्टमर पे है, मतलब कि जो हमारा फोकस है वो कस्टमर पे है, तो उसे हम बोलते हैं कस्टमर ओरिएंटेशन, कि कस्टमर के ऊपर ध्यान रखें हम अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर हमारा जो कॉन्स्टेंट विजिल है वो है कंपटीटर्स पे है, उसे हम बोलते हैं कंपटीटर ओरिएंटेशन, क्योंकि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और इन दोनों को ही इंपॉर्टेंस देनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर एक को भी इग्नोर किया तो दूसरा अपने आप ही इग्नोर हो जाएगा। इसका जो मेन फोकस होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, कि अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड है या फिर अगर नहीं भी है तो हम उसे सेटिस्फाई करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए बिजनेस। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव किए जा सकते हैं सिर्फ कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बेसिस पे। फिर हमारा आता है लास्ट पॉइंट, लास्ट फिलोसफी, ये है एक तरह से सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट ने काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म अट्रैक्ट किया था। इसमें क्या था कि जो सोसाइटी का भी ध्यान रखना है और इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि जैसे सोसाइटी की जो भी कोई नीड्स है, वांट्स है या डिमांड्स है, हम उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम कुछ भी करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने लिखा भी है कहीं पर, कहाँ लिखा, हाँ ये लिखा हुआ है कि अगर किसी कस्टमर को ज़रूरत है ड्रग्स लेने की तो हम उसे ड्रग्स सप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ये जो मार्केटिंग कंसेप्ट है इससे थोड़ा सा एक इम्प्रूव वर्जन है सोसाइटल जो मार्केटिंग कंसेप्ट है। इसमें हम एक तरह से इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखेंगे सोसाइटी के साथ साथ। मतलब ऐसा नहीं कि अगर किसी कस्टमर को ड्रग्स चाहिए तो हम उसे सप्लाई कर देंगे, क्योंकि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारा गोल उससे ही अचीव होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें साथ के साथ में ये भी देखना है कि इन्वायरमेंट भी उससे खराब ना हो रहा हो, जो हमारा एथिकल या इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है हमारी सोसाइटी के वो भी खराब नहीं होने चाहिए। एथिकल मतलब कि एक तरह से जो मतलब कि मोरल है हमारे सोसाइटी का वो भी नीचे नहीं जाना चाहिए, और इकोलॉजिकल मीन्स जो हमारी इकोसिस्टम है वो भी नीचे नहीं जाना चाहिए। जैसे बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, शराब वगैरह जो चीज़ें होती हैं इससे हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम खराब होता है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। इसका मेन फोकस होता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है लेकिन विद इन द लिमिट्स ऑफ एथिकल एंड इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट बाउंड्रीज ऑफ आवर सोसाइटी। मतलब कि इसमें भी क्या है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है लेकिन जो हमारा इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है उसके इसको इग्नोर करके नहीं, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि हमारा इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो है वो सेक्रीफाइस हो जाए। तो आज हमने पढ़ा 5 फिलोसफीज के बारे में, हमने पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट, सोसाइटल कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट। एक बार ब्रीफ में आपको दोबारा बता देता हूँ। प्रोडक्शन कंसेप्ट में ये था कि हम अपनी प्रोडक्शन का स्केल बढ़ा के अपना सामान बेच सकते हैं जिससे कि हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। प्रोडक्ट कंसेप्ट में ये था कि हमारे जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी क्वालिटी को हम इम्प्रूव करेंगे जिससे कि हमारा सामान बिकने लग जाएगा, गुड क्वालिटी एंड एडिट फीचर्स इन द प्रोडक्ट। सेलिंग कंसेप्ट में ये था कि सेलर जो है या प्रोड्यूसर जो है वो किंग है मार्केट का, जो भी वो बनाएगा, जो भी उसके पास है उसे बस बेचना है कस्टमर को मैनिपुलेट करके, उसे कन्विंस करके यूजिंग इंटेंसिव प्रमोशन टेक्निक्स कि वो उसे खरीद लें। और ये जो है सेलिंग कंसेप्ट जो है शॉर्ट रन में चल सकता है, लॉन्ग टर्म में इतना सक्सेसफुल कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आजकल टाइम में कस्टमर भी काफ़ी समझदार हो चुका है। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा मार्केटिंग कंसेप्ट, इसमें कस्टमर किंग होता है, जो भी कस्टमर को पसंद है पहले आइडेंटिफाई करना टारगेट मार्केट को, फिर उस टारगेट मार्केट में कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को समझना, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे जो सर्विसेज हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं उसको डेवलप करना, फिर उसके बाद में उस टारगेट मार्केट में कंपटीटर से बेटर अपने कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना,
तो ये है हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट। इसमें नॉर्मली क्या है, इसका मेन फोकस है कस्टमर सेटिस्फेक्शन का। फिर सोसाइटल कंसेप्ट में क्या है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मार्केटिंग कंसेप्ट में ही है, क्योंकि इसका पूरा नाम है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। इसको सिर्फ सोसाइटल कंसेप्ट में ना समझे, इसका नाम है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। अगर आप समझेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा कि इसमें क्या होता है। मार्केटिंग कंसेप्ट मीन्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सोसाइटल मीन्स मार्केटिंग सॉरी कस्टमर सेटिस्फेक्शन बट विद इन द एथिकल एंड इकोलॉजिकल एनवायरमेंट बाउंड्रीज ऑफ आवर सोसाइटी। थैंक यू।